एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के इस वीडियो में। आप देख सकते हैं अद्भुत नज़ारा, क्या खूबसूरत नज़ारा है। बलिया के लिए यह बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। वेद पाठ लिखा हुआ है और यह जो रास्ता है यही रास्ता अंदर जाता है हवन कुंडों की तरफ, जहाँ जाके आप हवन करवा सकते हैं। और आप देख सकते हैं यह अद्भुत नज़ारा, जो पंडाल है, जो मंडप है, इसकी खूबसूरती, इसी खूबसूरती को दिखाने के लिए 6 महीने से लगातार कारीगर मेहनत कर रहे थे। यह पंडाल और यह मेहनत जो 1151 पंडाल बने हुए हैं और 1051 हवन कुंड बने हुए हैं, इनको बनाने में 6 महीने से ज़्यादा का समय लग गया। जो बलिया से 7 किलोमीटर दूर ब्यासी गांव में गंगा नदी के किनारे यह अद्भुत महापर्व का आयोजन किया गया। यहाँ लाखों की संख्या में औरतें आ रही हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। और बलिया ही नहीं, बलिया से दूर 200-300 किलोमीटर दूर से भी लोग यहाँ पे इस महान महापर्व के आयोजन में भागीदारी करने के लिए आ रहे हैं। अब देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़, और इस भीड़ में हमें वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा था। आप देख सकते हैं काफ़ी मुश्किलें आ रही थी हमें, क्योंकि भीड़ ही लाखों की संख्या में थी और उस भीड़ के बीच में वीडियो बना पाना, रिकॉर्डिंग कर पाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। फिर भी जो लोग इस महापर्व में शामिल नहीं हो पाए, उनको दर्शन कराने के लिए, उनको दिखाने के लिए और इस महापर्व, इस महायज्ञ का एक यादें इकट्ठा करके रखने के लिए हम इस वीडियो को तैयार किए और इस वीडियो को बनाए। आप देख सकते हैं हजारों लाखों की संख्या में हर मिनट लोग यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं और लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। यह औरतें अंदर की तरफ जा रही हैं, जहाँ जाने के बाद आप हवन कर सकते हैं और यह एक अद्भुत नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। इससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह थी कि आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी इस महान पर्व, इस लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में शामिल हुए और यही हमारे भविष्य को संवारेंगे, भविष्य में सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने में और इसको और ज़्यादा फैलाने में कार्य करेंगे। आप देख सकते हैं महिलाएँ हर जगह अपना पूजा पाठ में लगी हुई हैं। जो अंदर हवन कुंड तक नहीं पहुंच पाई, वो अपना पूजा पाठ कहीं भी शुरू कर देती हैं। यह भारत है, यह हिंदुओं का देश है, यह सनातनियों का देश है। कहीं भी भगवान को खोजा जा सकता है, हर रूप में यहाँ सनातनियों को भगवान मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं यह बच्चा 2 साल का भी नहीं होगा और यह बच्चा भी इस महापर्व में, महायोजन में, इस महायज्ञ में शामिल होने के लिए और पुण्य का भागीदारी बनने के लिए आया हुआ है। तमाम औरतें जो दूर दूर से आई हैं, थक गई हैं, वह बैठ के आराम कर रही थी और हम यह सब दृश्य आपको घर बैठे दिखाने के लिए, लगातार धूप में, कड़ी धूप में आपको वीडियो दिखाने के लिए मेहनत कर रहे थे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने लोगों में शेयर करिएगा, इस महान आयोजन के बारे में दिखाइएगा और कमेंट करिएगा कि आप लोग कौन कौन इस महापर्व में आए और कौन कौन नहीं आ पाए और कितने लोगों को खुशी है, यह हमें ज़रूर बताइए। आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में लोग मुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यह एक हम सनातनियों के लिए बहुत ही बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे बलिया जैसे छोटे शहर में, बलिया जैसे एक छोटे से शहर में इतना बड़ा धार्मिक कार्य किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस और फायर सर्विस की भी सुविधाएं और इमरजेंसी सुविधाएं भी यहां पे उपलब्ध कराई गई थी सरकार के द्वारा, ताकि कोई भी आपातकालीन घटना को अंजाम देने से रोका जा सके और उसको, उसकी सुरक्षा की जा सके, लोगों की सुरक्षा की जा सके। इसके लिए सारे सुविधाएं की गई थी यहाँ पे, एम्बुलेंस की सुविधाएं, पानी की सुविधाएं, नल जल की सुविधाएं और फायर ब्रिगेड की सुविधाएं। तो यह सब सरकार द्वारा किया गया था और यह एक बहुत ऊंचा, बहुत ही ऊंचा गेट और ऊंचा प्रवेश द्वार बनाया गया है, जिसके दूसरे साइड में जहां सत्संग जीयर स्वामी जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है और दूसरे से इसके ठीक दूसरे साइड में और हवन कुंड बना हुआ है जहां पे हवन किया जा रहा है और लोग आ रहे हैं और परिक्रमा पूरा कर रहे हैं।
परिक्रमा मार्ग भी काफ़ी बड़ा है क्योंकि 151 पंडालों का रूप है और उसके चारों तरफ से परिक्रमा मार्ग बनाया गया है। आप देख सकते हैं हमारी माताएं बहनें अपने मन में श्रद्धा भाव भक्ति को लिए हुए, अपने मन में एक आस को लिए हुए पुण्य के भागीदारी बनने के लिए इस परिक्रमा मार्ग को पूर्ण करने में पूरे तन मन से लगी हुई हैं और इस परिक्रमा को कर रही हैं। काफ़ी अच्छा लगता है जब एक साथ इतने सारे सनातनी मिलके, इतने सारे हिंदू धर्मी लोग मिलके परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं और किसी भी तरह का धार्मिक कार्य करते हैं, तो वो अदृश्य देखने लायक होता है। आप देख सकते हैं नए नए बच्चों और पुराने उम्र के माताएं बहनें और हर उम्र के लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं इस पूजा में, इस पूजा कार्य में। आप देख सकते हैं कि जो औरतें घूंघट में हैं वो भी अपना घूंघट निकाल के आई हैं ताकि वो भी इस महापर्व आयोजन के, इस महायज्ञ में शामिल हो सके और पुण्य के भागीदारी बन सके।